वेलकम टू एड इंडिया क्लासेस. टुडे आई एम टेकिंग क्लास 2 फॉर अकाउंटिंग एंड द टॉपिक दैट इज जर्नल एंट्रीज. इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अकाउंटिंग प्रोसेस, मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट. इन केस ऑफ रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट वी वर हैविंग टू अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अमेरिकन अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज दैट इज golden rule for debit credit. In our today's class we will discuss journal entries, how to pass the journal entries. Journal entry कैसे pass की जानी चाहिए, ये आज की class में हमें discuss करना है. अगर मैं बात करूँ journal entry की, तो ये फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज के लिए एप्लीकेबल होता है. फॉर्मेट में जो सबसे पहला कॉलम होगा, यहाँ पर डेट जिस दिन एंट्री हुई, जिस पर्टिकुलर डेट को एंट्री होती है, ट्रांजैक्शन होता है उसकी डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका इम्पैक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट पे होगा, एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, अगर दो अकाउंट, दो से ज्यादा भी हो सकता है, अभी हम दो की बात कर रहे हैं, तो अगर दो अकाउंट पे तो एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट. तो अगर एक अकाउंट, कोई भी अकाउंट ए है, तो अगर वो डेबिट हो रहा है तो हम इस तरीके से लिखेंगे अकाउंट ए, फिर अकाउंट डेबिट, इस तरीके से लिखेंगे. या कोई जैसे अगर राम का अकाउंट है, जो भी है, टू अकाउंट बीज अकाउंट डी, थोड़ी सी जगह छोड़ के शुरू करते हैं, एक कन्वेंशन है, प्रैक्टिस इसी तरीके से करते चले आ रहे हैं, कोई उसका टेक्निकल रीजन नहीं है. ये जो थर्ड कॉलम होता है लेजर फोलियो, ये जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये यहाँ पर हम बेसिकली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे और एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको एक जगह पर रिकॉर्ड करेंगे, जिसे हम लेजर कह रहे थे. क्या कह रहे थे? लेजर. तो वो जैसे मान लीजिए अकाउंट अगर सैलरी का अकाउंट है, ए अकाउंट जो हमने लिया है यहाँ पर, अगर ये सैलरी का अकाउंट है तो सैलरी से रिलेटेड यहाँ पर जर्नल में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको एक जगह पर हमने पोस्ट किया होगा और वो आपका लेजर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? लेजर. लेजर बुक होती है एक प्रकार की, जैसे जर्नल एक बुक है वैसे ही लेजर एक बुक होगी. तो उस लेजर बुक का जो पेज नंबर होगा उसे यहाँ पर हम कहते हैं लेजर फोलियो नंबर. एल एफ का मतलब लेजर फोलियो नंबर, लेजर की बुक का पेज नंबर, मतलब इस एंट्री की जो पोस्टिंग हुई है वो लेजर में हुई है, लेजर की बुक में किस पेज नंबर पे पोस्टिंग हुई है वो पेज नंबर यहाँ पर मेंशन किया जाता है. बेसिकली ऐसा करके कल के दिन अगर हमें रिकंसिलेशन करना है, कोई एरर हो जाता है या अदरवाइज अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एंट्री की पोस्टिंग किस पेज पे हुई है, तो हमें पूरे लेजर्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे हम उस पर्टिकुलर पेज में जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि सैलरी का लेजर इस पर्टिकुलर पेज में है, वहां से हम चीजों को क्रॉस चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लेजर फोलियो नंबर, यहाँ पर डेबिट का अमाउंट आएगा और यहाँ पर क्रेडिट का अमाउंट आएगा. और बेटा यहाँ नीचे नरेशन आता है. अब बात आती है सर ये नरेशन क्या होता है? जो ट्रांजेक्शन हमने किया है उस ट्रांजेक्शन की डिटेल को हम क्या कह देते हैं? नरेशन कह देते हैं. ये फॉर्मेट आपका क्या कहलाता है? ये आपका जर्नल का फॉर्मेट है. कोई भी एंट्री को जो हम रिकॉर्ड करेंगे इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट की और बात. देखिए सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है या जो कॉन्सेप्ट है, जब ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट के साथ हो रहा है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. तो पर्सनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा और बहुत फोकस करना. अगर ये बात आपने फोकस कर ली तो एंट्री में दिक्कत नहीं होगी, आपको प्रॉमिस है मेरी इस बात को. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कोई बिजनेस है ये है, कुछ भी नाम दे दीजिए इसको, और ये है मिस्टर ए, एक पर्सन है. ये मिस्टर ए बिजनेस को
मिस्टर, कि मिस्टर ए बिजनेस को कुछ दे सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं मिस्टर ए, ये दे सकते हैं कैश, ये कुछ गुड्स दे सकते हैं, ये एसेट दे सकते हैं, एक्सेट, कुछ तीन एग्जाम्पल, सॉरी और भी कुछ चीजें दे सकते हैं, बट मैंने तीन एग्जाम्पल, ये मिस्टर ए इस बिजनेस को कैश दे सकते हैं, गुड्स दे सकते हैं, एसेट दे सकते हैं। अगर मैं ये कैश, गुड्स और एसेट की बात करूं तो इनका नेचर है रियल, ये रियल अकाउंट है, और अगर ये मिस्टर ए की बात करूं तो ये पर्सनल अकाउंट है। ये एक ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर ए ने बिजनेस को या तो कैश दिया या गुड्स दिए या एसेट, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। इस ट्रांजैक्शन के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया कैश, गुड्स, एसेट, और दूसरा पार्ट हो गया मिस्टर ए, मतलब मैं कहूं ये एक ट्रांजैक्शन है, ये एक ट्रांजैक्शन है, और ऑब्वियस सी बात है इन कैश, गुड्स, एसेट की कुछ वैल्यू होगी, कुछ इनकी मनी वैल्यू होगी, तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। मतलब अगर ये नॉन मॉनेटरी होता तो उसकी अकाउंटिंग नहीं करते, तो ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट दो अकाउंट पे है, ए या तो कैश के लिए कैश अकाउंट कहें या गुड्स के लिए हम गुड्स अकाउंट कहें या हम एसेट के लिए एसेट अकाउंट कहें। इनका नेचर जरूरी नहीं बेटा ये तीनों चीजें दी जाएं, तीनों में से कोई एक भी हो सकता है या तीनों हो सकते हैं, बट इनका नेचर एक जैसा है, इस वजह से मैंने एक पट्टे दे दिया। और देने वाला कौन है, मिस्टर एज अकाउंट। ये दो अकाउंट हो गए आपने, हमने देखा इसका नेचर है रियल और इसका नेचर है पर्सनल। अब अगर हम गोल्डन रूल लगाएं तो गोल्डन रूल क्या कहता है कि अगर अकाउंट रियल है तो हमें कम्स इन गोज आउट देखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया। तो यहां पर गुड्स आ रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन कहां कर रहे हैं, बिजनेस में, अकाउंटिंग किसको पॉइंट ऑफ व्यू मान के कर रहे हैं, बिजनेस को। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, या तो बिजनेस में कैश इन्होंने दिया है तो बिजनेस में कैश आ रहा है या गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में या एसेट आ रहा है, तो ये तीनों का नेचर रियल है और रियल होने की वजह से हम यहाँ इन्हें क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो इन्हें डेबिट करेंगे, क्यों डेबिट करेंगे, क्या नियम है, व्हाट कम्स इन, किस नियम की वजह से इसको डेबिट किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि ये आ रहे हैं बिजनेस में, रिसीव किए जा रहे हैं बिजनेस के द्वारा, तो डेबिट कर देंगे। मिस्टर ए जो कि एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के बारे में हम जानते हैं कि डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट में जो नियम चलेगा वो रिसीवर और गिवर देखेंगे, तो मिस्टर ए रिसीवर है या गिवर है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं तो बिजनेस को मिस्टर ए ने दिया है या बिजनेस से लिया है, तो बिजनेस ए बिजनेस को दिया है तो गिवर है, रिसीवर है, तो डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। यहां पर मिस्टर ए को हम क्रेडिट करेंगे और किस बेसिस पे, गिवर के बेसिस। अब एंट्री उसी फॉर्मेट में होगी, डेट पर्टिकुलर। अब जरा एंट्री की बात फिर से एक बार पूरा सही समझिए, ये पूरी सी बात हुई आपकी, मिस्टर ए ने बिजनेस को या तो कैश दिया या गुड्स दिए या एसेट दिए, तो एक मिस्टर ए का अकाउंट हो गया, एक कैश, गुड्स या एसेट अकाउंट हो गया। अब चाहे कैश दिया हो, चाहे गुड्स दिए हो, चाहे एसेट, ये तीनों अकाउंट का नेचर कैसा है, रियल, रियल है तो इन्हें डेबिट करेंगे क्योंकि ये बिजनेस को रिसीव हुए, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में आए हैं, और मिस्टर ए ने दिए हैं तो क्रेडिट इज द गिवर, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट के लिए रूल चलता है, तो क्रेडिट इज द गिवर। अब अगर मेरी बात समझिएगा, एंट्री क्या होनी चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग की मुझे एंट्री बताइए, इतना सीख के अगर आपने सीखा है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए कैश मिला है तो कैश अकाउंट, अगर गुड्स मिले, एक चीज समझिएगा, परचेज ऑफ गुड्स, अगर गुड्स आए हैं परचेज की है तो इन्हें हम परचेजेस कहते हैं, क्या कहते हैं, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट के नाम से जानते हैं। और अगर गुड्स की सेल है, सेल्स ऑफ गुड्स,
इन्हें हम सेल्स अकाउंट कहते हैं। और अगर सेल या परचेज एसेट के लिए, किसके लिए है, एसेट ऑफ एसेट, तो ये हम एसेट अकाउंट से ही रिकॉर्ड करेंगे। किससे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट। तो गुड्स का, गुड्स अगर आए हैं तो परचेजेस, गुड्स अगर गए हैं सेल करी है तो सेल, बट एसेट का आना, खरीदा जाना या बेचा जाना किस रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा, एसेट के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कैश अकाउंट का ही, और अगर गुड्स आए हैं तो इनके लिए मैं क्या वर्ड यूज कर सकता हूँ, परचेजेस अकाउंट। और तीसरी बात है, अगर एसेट आए हैं तो एसेट के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, एसेट डेबिट। बेटा जरूरी नहीं है तीनों चीजें, अगर तीनों चीजें आई होंगी तो इनकी अलग अलग एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक साथ ले लिया है समझने के लिए कि कैश होता तो कैश डेबिट, गुड्स होते तो परचेज डेबिट, और एसेट होता तो एसेट डेबिट। तो डेबिट कर दिया हमने, थोड़ी सी जगह छोड़ रहे हैं टू। क्रेडिट किसको करें, मिस्टर एज अकाउंट। फॉर्मेट के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, ये जो पार्ट है पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये पर्टिकुलर सॉरी डेबिट तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये आपका पर्टिकुलर में आ जाएगा। यहीं पर छोटा सा एक कॉलम होता है लेजर फोलियो, कॉलम बनाया जाएगा। हमारे प्रैक्टिस में हमें उसमें फोलियो नंबर नहीं देते, बट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर फोलियो नंबर आता है। और ये आपका डेबिट का अमाउंट और ये क्रेडिट का अमाउंट, इस तरीके से फॉर्मेट बन जाएगा। मैं बार बार फॉर्मेट की यहाँ पर बात नहीं करूँगा, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपकी एंट्री हुई। अब मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से मैं डिस्कशन को बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो मिस्टर ए हैं जिन्होंने बिजनेस को गुड्स दिए हैं, कैश दिया है या एसेट दिए हैं, अगर ये हो सकता है, इनकी दो कैटेगरी हो सकती है, बिजनेस इन्हें दो तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकता है। केस वन, ये ओनर हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ओनर हो सकते हैं, मतलब मिस्टर ए ने ओनर की कैपेसिटी में गुड्स दिए हैं बिजनेस को, या कैश दिया है या एसेट दिए, ओनर की कैपेसिटी में। जब ओनर देता है ना, तो है तो ये मिस्टर ए, एंट्री आपकी यही होनी चाहिए, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट या एसेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, कोई गलत एंट्री नहीं है, टेक्निकली बिल्कुल ठीक एंट्री है, ठीक है। बट ये हो सकता है कि ये ओनर हो, केस वन में अभी बात करूंगा अकाउंटिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या केस टू में हो सकता है ये आउटसाइडर, ये क्या हो सकते हैं, आउटसाइडर। अगर ये ओनर है, ध्यान रखिएगा, अगर मिस्टर ए, देखिए एंट्री तो यही होगी, बट अगर मिस्टर ए ओनर हैं तो यहाँ पर ओनर में बिजनेस कभी भी अपने ओनर का नाम नहीं लेता बेटा। जैसे पता है आपको, पुराने समय में हिंदू धर्म में जो महिलाएं होती थी वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती, ठीक है, वैसे ही एक बिजनेस कभी अपने ओनर का नाम नहीं लेता। होना आज मिस्टर ए को ही क्रेडिट है, क्योंकि मिस्टर ए गिवर है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। आज जब एंट्री होगी तो मिस्टर ए ही क्रेडिट होंगे, बट अगर मिस्टर ए ओनर होंगे तो फिर हम मिस्टर ए की जगह पर कैपिटल वर्ड यूज करें, कैपिटल। हमने मिस्टर ए के ऊपर एक पर्दा पहना दिया, जिस पर्दे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट। अगर इस पर्दे को उठा के देखोगे तो नीचे कौन नजर आएंगे, मिस्टर ए। तो मतलब केवल मिस्टर ए के रिलेशन की वजह से ये फर्क पड़ गया कि यहाँ पर कैपिटल लिखा गया, बट अगर हम यहाँ मिस्टर ए भी लिख देते ना तो टेक्निकली गलत नहीं। लेकिन क्योंकि ओनर कभी अपने बिजनेस कभी अपने ओनर का नाम नहीं लेता है, तो उसकी जगह पर वो क्या वर्ड यूज कर देता है, कैपिटल वर्ड यूज कर देता है। इस वजह से मिस्टर ए की जगह पर क्या वर्ड यूज कर दिया जाएगा, कैपिटल। तो ये केस वन की बात होगी। अगर केस वन है तो ये होगा कब, जब मिस्टर ए क्या है, ओनर। मिस्टर ए क्या है, ओनर। और इसी तरीके से दूसरी एंट्री, अगर हम सेम कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, भाई इन्हें तो डेबिट होना है क्योंकि ये बिजनेस में रिसीव हुए, कुछ मतलब ही नहीं कौन दे रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट, और टू मिस्टर एज अकाउंट।
अब मिस्टर ए का अकाउंट देखा जाए अगर ये आउटसाइडर है। अब केस टू, जब आउटसाइडर कौन है? आउटसाइडर। अब आउटसाइडर की बहुत सारी कैटेगरी होती है। आउटसाइडर में अगर इसने गुड्स सप्लाई किए होंगे, क्या सप्लाई किए होंगे? गुड्स। तो कई बार अगर मिस्टर ए ने, इफ मिस्टर ए सप्लाइड गुड्स, तो इसे हम कॉमनली क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिटर। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। और अगर इस मिस्टर ए ने, इफ मिस्टर ए सप्लाइड एसेट, तो इसका हम कॉमन नाम क्या कर देंगे? वेंडर। क्या कह देंगे? वेंडर। तो देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। एक पर्सन का किसी बिजनेस के साथ क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है कि पर्सन बिजनेस को कुछ दे सकता है, या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए तो बिजनेस किसी पर्सन से कुछ रिसीव कर सकता है। वो गुड्स रिसीव करे, वो कैश रिसीव करे, वो एसेट रिसीव करे, वो चेक के रूप में पैसा रिसीव करे। अगर कुछ को रिसीव कर रहा है तो उस पर्सन को क्रेडिट करेंगे, और जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करेंगे। मतलब गुड्स मिल रहा है तो परचेज डेबिट, कैश मिल रहा है तो कैश डेबिट, एसेट मिल रहा है तो एसेट डेबिट। अब ये सारी डेबिट होने, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर वो जो पर्सन है, अगर वो ओनर है, तो फिर उसके नाम ना आके क्या वर्ड यूज करेंगे हम? कैपिटल। और अगर वो गुड्स दे रहा है तो उसका नाम ना आके, उसका नाम ना आके हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे? अगर वो गुड्स दे रहा है तो हम वर्ड यूज करेंगे परचेजेस। और अगर वो एसेट दे, सॉरी, अगर वो गुड्स दे रहा है तो हम यूज करेंगे या तो उसका नाम लिखें या क्या यूज करेंगे? क्रेडिटर। कई बार नाम लिखा जाता है, बट कॉमनली ऐसे लोगों को हम क्रेडिटर कहते हैं। कि एक आउटसाइडर जब बिजनेस को गुड्स देता है तो उसका नाम तो एग्जिस्ट करता है, बट कॉमनली हम उन्हें क्रेडिटर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? क्रेडिटर बुलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी आउटसाइडर ने बिजनेस को एसेट दिए हुए हैं तो उसका नाम के साथ हम एंट्री कर सकते हैं। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, हम नाम के साथ एंट्री करेंगे। बट कॉमनली हम एक नाम यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? वेंडर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वेंडर कह देते हैं। ठीक है, तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक पर्सन बिजनेस के साथ केवल दो ही तरह के ट्रांजेक्शन कर सकता है, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं होते। आप फिर किसी भी तरीके से सोचिए, आप कंसाइनमेंट में सोचिए, आप ज्वाइंट वेंचर में सोचिए, आप पार्टनरशिप में सोचिए, कहीं भी सोचिए, अगर पर्सन बिजनेस को कुछ दे रहा है तो जो बिजनेस को मिल रहा है उसे डेबिट करेंगे, उस पर्सन को क्या कर देंगे? क्रेडिट। अगर वो पर्सन ओनर है, जैसे अगर मैं बात करूं प्रोप्राइटरशिप की, तो अगर वो पर्सन ओनर है तो कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। अगर वो पार्टनर होता तो पार्टनर्स कैपिटल की बात कर देते। अगर वो शेयर होल्डर होता तो फिर हम उसने पैसे दिए होते शेयर होल्डर की कैपेसिटी में, तो हम शेयर कैपिटल की बात कर देते। मतलब उस पर्सन अगर ओनर है तो कैपिटल वर्ड यूज करना है, अकेला ओनर है तो कैपिटल, एक से ज्यादा ओनर है पार्टनरशिप का केस है तो पार्टनर्स कैपिटल, बहुत ज्यादा ओनर है अगर कंपनी का केस है तो शेयर कैपिटल यूज कर देते। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। और अगर वो ओनर नहीं है तो या तो उसका नाम लिख लो, अगर वो गुड सप्लाई कर रहा है तो क्रेडिटर वर्ड यूज कर लो, अगर वो एसेट दे रहा है तो डेटर वर्ड यूज कर लीजिए। ये आपका ट्रांजैक्शन कौन सा हो गया? जब किसी पर्सन ने बिजनेस को कुछ दिया है। आप कोई भी सिचुएशन आएगी आपके अकाउंटिंग में, सारी सिचुएशन इसी कॉन्सेप्ट पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर आप नॉमिनल की बात करोगे तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होती है, बात खत्म। रेंट पे करोगे, रेंट डेबिट, एक्सपेंडिचर, सब कुछ खत्म। प्रॉब्लम जो आती थी पर्सनल के साथ आती है, या वेरिएशंस भी है तो पर्सनल। तो पर्सनल में सिंपल सी बात देखनी है, अगर कोई पर्सन हमें कुछ दे रहा है तो उस पर्सन को क्रेडिट करना है, और जो हमें मिल रहा है उसे डेबिट करना है। अगर वो रियल अकाउंट का है तो जो हमें मिल रहा है उसे डेबिट करना है, और पर्सन को क्या करना है? क्रेडिट करना है। अब वो पर्सन का नाम जगह जगह पर बदल जाएगा। अगर ओनर है तो कैपिटल, पार्टनरशिप का केस है तो पार्टनर्स कैपिटल, कंपनी का केस है तो शेयर कैपिटल, अगर उसने गुड्स सप्लाई किए हुए हैं तो हम क्रेडिटर यूज कर देंगे, एसेट दिए हैं तो वेंडर यूज कर देंगे, अगर वो बैंक है और उसने लोन दिया है तो बैंक लोन यूज कर देंगे, उसके नाम के साथ लोन यूज कर देंगे। तो उसका नाम जगह जगह पर बदलेगा, बट नेचर उसका क्या रहेगा कि अगर उसने कुछ दिया है तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ये आप नोट कर सकते हो। Yes, वो इस तरीके से पहले मैं इसको कर दे रहा हूँ, पहले ये कॉन्सेप्ट नोट करिए, फिर इसके बाद ये कुछ बेसिक मैंने बातें करी हैं,
कुछ बेसिक टर्म जो आते जाएंगे मैं आपके साथ में डिस्कस करता जाऊंगा। हमने जाना परचेज ऑफ गुड्स को हम परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, सेव ऑफ गुड्स को हम सेल्स कहेंगे, लेकिन परचेज और सेव ऑफ एसेट को हम एसेट अकाउंट से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, ये अगर अगर सामने वाला व्यक्ति हमें डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया हम उसका नाम लिखते हैं तो ठीक है, बट अगर सामने वाला व्यक्ति ओनर है तो हम कैपिटल वर्ड यूज कर देंगे, और अगर वो आउटसाइडर है तो उसका नाम लिख देंगे, बट उसके नाम के कुछ कॉमन नाम भी होते हैं जगह जगह पर। अगर उसने गुड सप्लाई किए होते तो क्रेडिटर हो जाता, एसेट सप्लाई किए होते तो वेंडर हो जाता, लोन दिया होता तो उसके नाम के साथ लोन वर्ड जुड़ जाता। ठीक है, बात आपको समझ में आती है। चलिए सेकेंड केस, दूसरी सिचुएशन पर्सन के साथ क्या हो सकती है। जैसे ये बिजनेस है, ठीक है, और ये एक पर्सन है मिस्टर। अब ये बिजनेस इस पर्सन को कुछ दे सकता है, क्या दे सकता है, कैश दे सकता है, गुड्स दे सकता है, एसेट दे सकता है। अब समझिएगा, अगेन ये ट्रांजैक्शन है, हाँ ये ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट क्या हैं, दो अकाउंट कौन कौन से, कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, ये एक जैसे नेचर है इस वजह। अच्छा अब समझना, अब ये गुड्स दिए जा रहे हैं तो अभी मैं गुड्स अकाउंट ही लिख दे रहा हूँ, बाद में हमने देखा अगर ये बेचे जा रहे होंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे, क्या कह देंगे, सेल्स। एसेट्स अकाउंट और मिस्टर ए, तो इनका नेचर रियल, इसका नेचर पर्सनल। क्या कहता है गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल के केस में। तो ये सारी चीजें बिजनेस से जा रही हैं तो हम इन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट कर, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, किससे, व्हाट गोज आउट और पर्सनल है तो डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। यहाँ पर मिस्टर ए रिसीवर है तो मिस्टर ए को हम डेबिट कर देंगे, किस बेसिस पे, रिसीवर के बेसिस, क्योंकि ये रिसीवर है इस वजह से हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बेसिक एंट्री। अगेन मिस्टर ए का रिलेशन क्या हो सकता है, केस वन मिस्टर ए कौन हो सकते हैं, ओनर। केस टू मिस्टर ए कौन हो सकते हैं, आउटसाइडर। तो अगर मिस्टर ए, एंट्री क्या होगी, आप छोड़ो ओनर आउटसाइडर छोड़ो, अगर बेसिक आप गोल्डन रूल को लगाओ तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी मिस्टर ए डेबिट होना, इज अकाउंट डेबिट टू, कैश है तो कैश अकाउंट, गुड्स है तो गुड्स अकाउंट, हम इनके लिए सेल्स हो रही होगी तो सेल्स लिख सकते हैं, और एसेट है तो एसेट अकाउंट, जो भी एज द केस में, हाँ है ना। अब ध्यान रखना, अगर केस वन होगा और मिस्टर ए कौन है, ओनर, अगर केस वन और मिस्टर ए ओनर, तो देखिए मिस्टर ए का नाम बिजनेस नहीं लेगा। जब बिजनेस अपने ओनर से कुछ रिसीव करता है, जब बिजनेस अपने ओनर से कुछ रिसीव करता है तो उस समय बिजनेस अपने ओनर को कैपिटल वर्ड से डिनोट करता है, किससे डिनोट करेगा, कैपिटल से। और जब ओनर बिजनेस से कुछ रिसीव करेगा, मतलब बिजनेस ओनर को कुछ दे रहा होगा, तो यहां पर मिस्टर ए ना आके एक वर्ड आएगा जिसे हम कहते हैं ड्रॉ, ड्रॉ। तो बेटा आप कैपिटल अकाउंट कहें या ड्रॉइंग अकाउंट कहें, दोनों ही ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओनर ने बिजनेस को कुछ दिया है, और ड्रॉइंग अकाउंट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिजनेस ने ओनर को कुछ दिया है, या मैं कहूं कि ओनर ने बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर दिया। यस, तो हम यहां पर ड्रॉइंग अकाउंट, एक पर्दा पहना दिया हमने ड्रॉइंग का, अगर इस पर्दे को उठा के देखोगे तो नीचे कौन नजर आएगा, मिस्टर ए ओनर ही नजर आएंगे। और अगर ये मिस्टर ए ओनर ना होते तो फिर इनका नाम हम मिस्टर एज अकाउंट ही रहने देते, डेबिट टू, ये तो ऐसे ही रहना है, कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट या एसेट अकाउंट,
किस केस में, केस टू। अब यहां पर भी, यहां पर समझना, ये मिस्टर ए अगर इनको हमने सेल करी होती गुड्स, क्या किए होते, सेल, तो यहां पर हम इन्हें वर्ड यूज कर देते डेटर, क्या कह देते डेटर, ठीक है। आप लिख सकते हो पर्सन टू हूम गुड्स आर सोल्ड आर नोन एज डेटर्स। बस इसके अलावा कोई कहानी ही नहीं बनेगी बेटा, बाकी तो सारी बातें बहुत सिंपल हैं, बाकी सारी बातें बहुत सिंपल हैं। आपने रियल का सीख लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर्सनल का सीख लिया, बचा है केवल नॉमिनल। तो नॉमिनल कभी रियल के साथ जुड़ा होता है या पर्सनल के साथ जुड़ा होता है, तो और उसमें डेबिट क्रेडिट आपको पता है, बाकी आपके हो जाने हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपने अगर अभी 11th में आपने पढ़ा होगा या इससे पहले पढ़ा होगा तो कैपिटल की एंट्री अलग बता देंगे, इस बात की एंट्री, ये उस बात की, रटोगे तो बहुत सारी एंट्री आएंगी बेटा। और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है कि आप आइडेंटिफाई कर लीजिए ट्रांजेक्शन पर्सन के साथ है, ठीक है, पर्सन गिवर है या रिसीवर है वो आप देख लीजिए, उसके बेसिस पे उसका डेबिट क्रेडिट। अब आपको जो सीखना है वो ये सीखना है जगह जगह पर उस पर्सन का नाम क्या होगा, अगर वो ओनर है और कुछ दे रहा है तो कैपिटल, और अगर वो ओनर है और बिजनेस से कुछ ले रहा है तो ड्रॉइंग, अगर वो आउटसाइडर है गुड्स दे रहा है तो हम क्रेडिटर की, आउटसाइडर है गुड्स लेके जा रहा है तो डेटर यूज करेंगे, एसेट दे रहा है तो हम वेंडर वर्ड यूज कर लेंगे, ऐसे जगह जगह पर उसके नाम बदलते चले जाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग जब हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उस जगह पर उसका नाम बदल जाएगा, बट अगर टेक्निकल ही देखेंगे तो डेबिट क्रेडिट का रूल यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और ये बात अगर आपको समझ में आती है फिर पूरी अकाउंटिंग कहीं पर किसी भी ट्रांजेक्शन की आप अकाउंटिंग करिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको वहां पर सीखना होगा, एंट्री नहीं सीखनी होगी तो सीखना होगा कि क्या कहीं उसका कुछ अलग नाम तो नहीं है, बस दैट्स ऑल। इतनी बात अगर आप सीख जाएंगे, क्योंकि जगह जगह पर उसके नाम बदल सकते हैं, बिजनेस का नेचर बदलने से नाम बदल सकते हो, नाम बदल जाता है आप नाम सीख लीजिए, बाकी तो ध्यान रखिए पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, या तो दे रहा होगा या ले रहा होगा, और दे रहा है अगर तो क्रेडिट, और ले रहा है तो डेबिट, जगह जगह पर उसका नाम बदल रहा होगा, फॉर्म उसके हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये नोट हो गया होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो एक एंट्री को लेके प्रैक्टिस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ठीक है, कह रहा है गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन गिवन इन ईच केस द नेचर ऑफ अकाउंट वेदर पर्सनल या नॉमिनल द रूल एप्लीकेबल एंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और ये आपको एंट्रीज करनी है, कैसे करनी होगी हम देखते हैं। मैं थोड़ा सा, ये आपका नोट हो गया ही गया तो मैं इसको रख पास लेने पर जगह आ जाएगी तो ज्यादा बता अच्छे से आपको एंट्री सिखा। मैं जगह इस वजह से कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन के पास में होगी तो मुझे थोड़ा आसानी रहेगी क्वेश्चन को देखने में। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। अजीत
स्टार्ट बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपी कैश रुपीज 50,000 5 लाख ही बॉट गुड्स रुपीज 40,000 एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज 50,000 बेटा उसने देखिए केवल लैंग्वेज बदल गई है क्वेश्चन अगर हम ये कहें तो बेसिकली अजीत ने बिजनेस को 5 लाख रुपए कैश दिया 40,000 के गुड्स दिए और 50,000 के एसेट दिए और क्योंकि उसने खुद बिजनेस स्टार्ट किया दैट्स मींस ही इज अ ओनर ही इज एन ओनर तो ओनर की कैपेसिटी में उसने बिजनेस को क्या दिए कैश गुड्स और एसेट अगर इसकी बात करूं मैं तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे पूरा ट्रांजैक्शन लिखेंगे आप पूरा ट्रांजैक्शन लिखेंगे आप अपनी कॉपी में मैं नहीं लिख रहा हूँ ठीक है और अब बताइए इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कितने अकाउंट पे पड़ रहा है तो एक कैश अकाउंट गुड्स अकाउंट को हम क्या कहेंगे बेटा परचेजेस अकाउंट और एसेट अकाउंट एसेट अकाउंट ठीक है परचेजेस अकाउंट एसेट अकाउंट ये तीन चीज पे और दिया किसने है क्या नाम है अजीत अजीत अकाउंट अजीत बेटा मुझे नेचर बताइए अजीत का पर्सनल और ये जो सारी चीजें हैं ये रियल या आपको ऐसे ही एंट्री करनी है जब तक आप अकाउंट को क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक एंट्री नहीं होगी अब मुझे बताइए रियल में क्या देखते हैं हम डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कैश परचेजेस और एसेट आए हैं या गए हैं तो बिजनेस में आए हैं बिजनेस अलग है ओनर अलग है तो अगर वो आए हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए अब हम अलग अलग कर दें कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए का कैश है फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट 40,000 रुपए की परचेजेस हैं और गुड्स दिए हैं और एसेट अकाउंट डेबिट शायद 50,000 रुपए के एसेट दिए 50,000 रुपए के एसेट और दिए किसने हैं बिजनेस को आप एंट्री तो बिजनेस के यहाँ पर कर रहे हो तो टू अजीत टू अजीत अकाउंट टू अजीत अकाउंट ठीक है और कितना 5 लाख 90,000 कितना 5 लाख 90,000 ठीक है अब हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा है कि अगर अजीत ओनर है अगर अजीत क्या है अगर अजीत ओनर है तो हम इसकी जगह पर क्या वर्ड यूज कर देंगे क्या बता क्या वर्ड यूज कर देंगे क्या ये एंट्री हो गई अगर ये ओनर ना होता तो इसका नाम आ जाता ठीक है पहले कैश अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट एसेट अकाउंट डेबिट टू अजीत अजीत का नाम ना लिखते हम क्या लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट नरेशन क्या होगा बी कैपिटल इंट्रोड्यूस या इसको हम लिख सकते थे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड नरेशन कुछ नहीं है बेटा जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसके बाद के उस ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल है नरेशन और कुछ भी नहीं तो ये आपकी एंट्री हो गई आप फॉर्मेट में देखेंगे तो यहाँ आपका एक कॉलम होगा जिसमें डेट आ जाएगा और ये डेबिट तक ये पूरी बात आ जाएगी आपकी पर्टिकुलर के कॉलम में फिर एक लेजर फोलियो फिर डेबिट का अमाउंट और फिर क्रेडिट का अमाउंट ठीक है फॉर्मेट में आप करेंगे ये इस तरीके से आपको एंट्री करनी है कोई भी एंट्री आप करेंगे आप ट्रांजेक्शन लिखेंगे
उस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कितने अकाउंट, इन्हीं से भी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाद में फिर ये एंट्री डायरेक्ट आने लगेगी, ठीक है। तो आप देखिए कि किस अकाउंट पे किसका इम्पैक्ट है, और इसके बाद आप क्या करिए, उसका नेचर बताइए। नेचर के बाद यहाँ पर एक काम और करना है, नेचर रियल है, हम इसे डेबिट करेंगे किस नियम से, व्हाट कम्स इन, नियम भी लिखिए, और ये पर्सनल है। क्रेडिट करेंगे किस नियम से, इज गिवर, क्रेडिट इज गिवर। अब एंट्री करेंगे, अब ये जाके आपका कॉन्सेप्ट ओपन। यस, समझ में आई बात। अभी एंट्री देखें जरा, कह रहे परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 1 लाख। अब पहले तो मुझे बताओ, सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है वो है परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 1 लाख। तो मुझे ये बताइए, क्या ये ट्रांजेक्शन किसी पर्सन के साथ में है? सेकेंड है परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 1 लाख। क्या ये ट्रांजेक्शन किसी पर्सन के साथ है? ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है इस ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट, एक तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग खरीदी हमने तो बिल्डिंग आ गई हमारे पास बिजनेस में, तो बिल्डिंग अकाउंट, और परचेज करी है। देखो क्या काम है, परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए दे के परचेज करिए बेटा, किसी से उधार नहीं। तो दूसरा क्या हमने दिया, क्या है, कैश, तो कैश अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन अगर क्वेश्चन ये कह देता कि ऑन क्रेडिट हमने किसी से उधार परचेज करी है, तो फिर उस पर्सन का नाम आ जाता, लेकिन हमने उधार नहीं परचेज करी, हमने कैश के लिए परचेज करी। तो हमारे दो अकाउंट कौन से हो गए, एक बिल्डिंग अकाउंट हो गया और दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया बेटा, हमारा कैश अकाउंट हो गया। तो बिल्डिंग अकाउंट का नेचर रियल, कैश अकाउंट का नेचर रियल, तो रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल्डिंग हमारे आई है बिजनेस में, तो डेबिट करेंगे किसके हिसाब से, व्हाट कम्स इन, और कैश चला गया बिजनेस से, क्रेडिट करेंगे व्हाट गोज आउट। यस, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री की अगर बात करें तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने सर, 1 लाख बिल्डिंग परचेज, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही, फिर कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर परचेज गुड्स फॉर रुपीज बिका होता ना, कैश नहीं बिका होता, हम कैश मानेंगे, क्रेडिट के लिए कहना पड़ेगा उन्हें कि क्रेडिट परचेज की, तो इन्होंने गुड्स खरीदे। अगली एंट्री एक और बता देता हूं मैं आपको, तीसरा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज, रुपीज 30,000, रुपीज 30,000। ट्रांजेक्शन के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया गुड्स परचेज, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, परचेजेस अकाउंट कहते हैं, क्या कहते हैं, परचेजेस अकाउंट, और दूसरा हो गया कैश, नगद खरीदे। तो बेटा नेचर रियल, रियल गुड्स आए हैं ना हमारे पास, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश चला गया क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी परचेजेस
अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से? 30. ठीक है, अब एक काम करिएगा आप, ये थोड़ा सा आपको बात समझ में आई होगी, अब एक काम करिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 को आप नोट कर, जितनी भी एंट्रीज हैं ये नोट कर लीजिए और इसको आप एंट्रीज पास करके आइए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे आपको लेजर का पार्ट सिखाएंगे. तो दो बातें हो जाएंगी उससे, एक तो आपकी एंट्री चेक हो जाएंगी, जो एंट्री थोड़ी सी टेक्निकल है पहले आप उसे ट्राई करिए, अपना लॉजिक लगाइए, गलत सही जैसा भी हो करिए, ठीक है, बट जो प्रैक्टिस जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके को प्रैक्टिस करके करिए. फिर क्या करेंगे हम लोग, इसी की मैं इसी के बेसिस पर मैं लेजर करा दूंगा, तो इसकी एंट्रीज मैं आपका सॉल्यूशन दे दूंगा, तो अगर आपकी एंट्री में कोई मिस्टेक हुई होगी तो वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और बाद में उन्हीं डेटा के बेसिस में मैं आपको लेजर सिखाऊंगा, क्या सिखा दूंगा. ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इन एंट्रीज के सॉल्यूशन के साथ और प्लस लेजर के कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, इन्हीं के सॉल्यूशन के बेसिस पे हम लेजर सीखेंगे तो एंट्री करके आएंगे, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.